भारत एट नाइन में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ काजोल नारायण। महाराष्ट्र की राजनीति दिन प्रतिदिन उलझती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जो सीट बंटवारा हुआ है उससे साफ है कि एकनाथ शिंदे से उन्हें एक बार फिर मात खानी पड़ती है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। अजीत पवार, जिन्होंने हाल ही में शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया, अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में हुई बैठक में तीनों नेताओं ने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि अजीत पवार को शिंदे गुट से 22 सीटें कम मिली हैं, जबकि अजीत के पास मौजूदा समय में शिंदे से ज्यादा विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को सिर्फ 4 सीटें दी गई, जबकि शिंदे गुट को 15 सीटें मिली हैं। विधानसभा चुनाव में भी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ, अजीत को सिर्फ 54 सीटें मिली, जबकि शिंदे को 78 सीटें मिली हैं। बीजेपी खुद 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आखिर क्यों अजीत पवार को इतनी कम सीटें मिली? इसके पीछे तीन बड़ी वजह है। अजीत पवार अपने कोर इलाकों में जैसे मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में वोट ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हो पाए। अजीत की पत्नी बारामती से चुनाव हार गई, जबकि शिंदे के बेटे ने जीत हासिल की। विश्वसनीयता की कमी। 2019 में अजीत पवार बीजेपी के साथ जुड़कर शरद पवार के कहने पर पलटी मार गए थे। बीजेपी को डर है कि कहीं भविष्य में फिर ऐसा ना हो जाए। पार्टी में अस्थिरता। अजीत पवार के खेमे में अस्थिरता की स्थिति है। कई नेता उन्हें छोड़ शरद पवार के साथ जा चुके हैं, जिससे उनकी सियासी स्थिति कमजोर हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर इस बार चुनाव होने हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत है। एनडीए का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन से है, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस शामिल है। चुनाव की टक्कर बहुत कड़ी होगी और महाराष्ट्र की सियासत में कौन बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। अजीत पवार की सियासी चाल, शिंदे का दबदबा और बीजेपी की रणनीति, आगे क्या होगा ये समय भी बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।